रांची जिला कारागार में 26 कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव। जी हां, जेल प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में इस बात को लेकर हड़कंप मच चुका है। पिछले 10 अगस्त से 1 सितंबर तक जेल में 3 चरणों में कैंप लगाकर एचआईवी की जांच की गई थी, जिसमें 26 कैदी संक्रमित पाए गए थे। बता दें कि 2 मरीजों की लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल में एआरटी चल रही थी, अब नए 24 मरीजों की एआरटी की जाएगी। जिला जेल में 3300 कैदी हैं, अभी 70 महिला कैदियों का टेस्ट होना बाकी है। इकबाल अहमद, बाराबंकी, समाचार 24। एचआईवी पॉजिटिव पा गए हैं, क्या कारण है? जेल में 24 लोग नहीं बल्कि 26 लोगों का एचआईवी टेस्टिंग हुआ है, टेस्टिंग हुई है, जिसमें कि 26 लोग एचआईवी पॉजिटिव हुए हैं। कुल कैदियों की क्षमता यहाँ 3300 है, उसमें 70 महिलाओं का टेस्ट अभी होना बाकी है, महिला कैदी। बाकी जिन कैदियों का टेस्ट हुआ उसमें 26 कुल पॉजिटिव आए हैं। 26 में से 2 का ट्रीटमेंट जो एआरटी है थेरेपी, वो लोहिया हॉस्पिटल में चल रही है। बाकियों की मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध हो सके। कारण तो बता पाना इस समय मुश्किल है, कारण को फाइंड आउट किया जाएगा बाद में, लेकिन टेस्टिंग में इतने लोग पॉजिटिव हैं। उसमें से कुछ पुराने कैदी होते हैं, कुछ नए कैदी होते हैं, कुछ नए कैदियों जब भी नए कैदी आते हैं उनका टेस्ट होता है, तो उनमें से भी बहुत सारे कैदी पॉजिटिव होकर आते हैं, पहले से ही आते हैं अंदर। पुराने कितने हैं इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज, और इस वक्त हमारे साथ में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। मंत्री जी, एक मामला प्रकाश में आया है बाराबंकी जेल से, जहां पर 26 कैदी जो है एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। हम जानकारी आपसे चाहते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? कि जैसी हमारी जानकारी में आया तो हमने वहां के जिला अधीक्षक से बात की, तो 26 कैदी निकले हैं पॉजिटिव, और उसका कारण यह है कि एनडीपीएस में जो अभी जेलों में कैदी आ रहे हैं वो कैदी पॉजिटिव निकले हैं, और उन कैदियों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको एक हाथे में, एक बैरक में रखा गया है, जिससे उनकी दवा जो भी व्यवस्थित रूप से चल सके, और भी कैदियों पर कोई ज़्यादा प्रभाव न हो, ये व्यवस्था वहाँ की गई है, और डॉक्टरों की देख रेख में वो सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि 26 महिलाएँ भी हैं जिनका भी टेस्ट होना बाकी है। नहीं, महिलाएँ तो सभी की होगी टेस्टिंग, लेकिन अभी जो टेस्टिंग हुई है उसमें 26 निकले, तो एनडीपीएस के 70 महिलाएं हैं, सभी एनडीपीएस के निकले हैं जो अभी जेल में गए हैं, वही कैदी निकले हैं, पुराने कैदियों में कोई पॉजिटिव नहीं निकला है। मंत्री, मतलब कारागार में 26 कैदी पॉजिटिव निकलाना है, एचआईवी पॉजिटिव, ये गंभीर मामला है कैसे? देखिए, एनडीपीएस में जो निकले हैं बाहर, ये नशे का काम करते हैं, नशे का कारोबार में लिप्त रहते हैं, और अधीक्षक की वार्ता के अनुसार वही कैदी पॉजिटिव निकले हैं। पुराने जो बंदी हैं वहाँ, उनमें से कोई बंदी ऐसा नहीं निकला है, लेकिन टेस्टिंग उनकी अब कराई जाएगी। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी के हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुछ कैदी ऐसे हैं जो पहले से और कुछ बाद में जो आए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन अधीक्षक की वार्ता के अनुसार वो सभी एनडीपीएस के हैं, हाँ, पुराने कैदियों में से कैदियाँ नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से और आगे व्यवस्था की दृष्टि से टेस्टिंग तो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप थे हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति जी। कैमरा पर्सन विजय गुप्ता के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।